हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सेलर हब में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छी और बड़ी कंपनी के बारे में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सेवरॉन शिप मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। मुझे बहुत दिनों से कमेंट आए थे कि भाई इस कंपनी के ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाओ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग करना है, इस कंपनी का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी देती है, और गाइज अगर आपको एज ए फ्रेशर इस कंपनी में ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कैसे करें। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज, सेवरॉन शिप मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली जो गाइज वो एक यूएसए की कंपनी है, और इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है गाइज वो कैलिफोर्निया यूएसए में इस कंपनी का हेड ऑफिस है। सेवरॉन शिप मैनेजमेंट कंपनी जो है गाइस वो एक ओनरशिप मैनेजमेंट कंपनी है, और ये कंपनी गाइस गैस टैंकर और ऑयल टैंकर पे काम करने के लिए बेस्ट कंपनी है। इस कंपनी के पास जो है गाइस आपको ऑयल टैंकर और गैस टैंकर वेसल मिलेंगे, और अच्छे जीआरटी के वेसल है इस कंपनी के पास। आपको बड़े बड़े वीएलसीसी वेरी लार्ज गैस कैरियर वेसल मिलेंगे इस कंपनी के पास। और गाइस, इंडिया में इस कंपनी का कोई खुद का ऑफिस नहीं है, बट इस कंपनी के लिए जो गाइस वो नॉर्थन मैरिन सर्विस इसके लिए मैनिंग करती है, और नॉर्थन मैरिटाइम जो गाइस वो एक आरपीएसएल कंपनी है जिसके ऊपर भी गाइस मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो गाइस, नॉर्थन मैरिटाइम सर्विस इसके लिए मैनिंग करती है इस कंपनी में। अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो गाइस आप नॉर्थन मैरिटाइम में विजिट करके गाइस आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ डेक कैडेट और इंजन कैडेट। और ये कंपनी गाइस ऑयल टैंकर और गैस टैंकर पे काम करने के लिए अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के पास अच्छे वेसल हैं गाइस, और ये कंपनी जो गाइस वो पूरे वर्ल्ड से मैनिंग करती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से मैनिंग करती है, पूरे वर्ल्ड से मैनिंग करती है। जैसे हो गया इंडिया, फिलीपीन, यूएसए, ब्राजील, सिंगापुर, कैनेडा, जापान, चाइना, इन सब कंट्रियों से मैनिंग करती है। और आपको इस कंपनी के वेसल पे जो गाइस हमेशा जो है मिक्स क्रू रहेगा, और खाना पीना भी गाइस इस कंपनी के वेसल पे ठीक है। आपको इंडियन फूड तो नहीं मिलता है, पर अच्छा फूड मिलता है इस कंपनी में, और है ना खाना पीना सब कुछ मस्त है इस कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस, सैलरी की बात करें तो गाइस इस कंपनी में सैलरी भी अच्छी है मेरे हिसाब से। इस कंपनी में सैलरी ऑफिसर और क्रू की अच्छी स्केल पे जाती है इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी के पास सभी जो है वो गैस टैंकर्स और ऑयल टैंकर्स है। तो गाइस, डेंजर कार्गो वेसल पे सैलरी जो है वो एज कम्पेयर टू ड्राई कार्गो वेसल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उस करके गाइस सैलरी इस कंपनी में बहुत अच्छी जाती है। और गाइस, ये कंपनी जो फ्रेशर डेक कैडेट और इंजन कैडेट के लिए बेस्ट कंपनी है, क्योंकि ये फ्रेशर डेक कैडेट और इंजन कैडेट को वहां से नॉर्थन मैरिटाइम से हायर करती है। अगर गाइस आपको इस कंपनी में एज अ फ्रेशर डेक कैडेट और या इंजन कैडेट अप्लाई करना है तो गाइस आप नॉर्थन मैरिटाइम में विजिट करके गाइस आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। और इस कंपनी का गाइस वेटिंग पीरियड भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। और गाइस, मेरा एक फ्रेंड है, वो इस कंपनी में एज अ ट्रेनी टीएमई गया था, तो गाइज उसके जो स्टिफंड है वो अभी 650 मिलता था उसके, उस टाइम की बात है, मतलब एक साल डेढ़ साल पहले की बात है। तो उसका स्टिफंड था वो 650 रुपीज़ को स्टिफंड मिलता था एज अ ट्रेनी टीएम। तो मेरे हिसाब से अच्छी है, इस हिसाब से उसकी सैलरी भी अच्छी जाती है इस कंपनी में, और खाना पीना भी ठीक रहता है इस कंपनी में। और ये कंपनी जो गाइज अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छा ध्यान रखती है, और नॉर्थन मैरिटाइम सर्विस के ऑफिस में गाइस विजिट करके आप इस कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, इस कंपनी के जो वेसल हैं गाइस वो अच्छे जीआरटी के हैं, आपको बड़े वीएलसीसी मिलेंगे इस कंपनी के पास, अच्छे गैस कैरियर मिलेंगे। और गाइस, इस कंपनी के जो वेसल हैं तो वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, तो आपको घूमने को भी अच्छा मिलता है। और गाइस, मैं नॉर्थन मैरिटाइम सर्विस के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और नॉर्थन मैरिन सर्विस जो गाइस वो एक आरपीएसएल कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आप इस कंपनी में फ्री माइंड होकर ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना था। अगर गाइस इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।